हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स, इनका अनदर नेम है सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। सुप्रा रीनल ग्लैंड्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुप्रा का मीनिंग होता है ऊपर और रीनल का मतलब होता है किडनीज। तो किडनीज के ऊपर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंड ये अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनको लाइफ सेविंग ग्लैंड्स भी बोला जाता है या इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोला जाता है। लाइफ सेविंग ग्लैंड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो ग्लैंड्स हैं ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी का मेंटेन करके रखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड सर्कुलेशन में, उसको मेंटेन करने के लिए। प्लस ये हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम फाइट कर सके कोई भी मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस के साथ। अगर ये जो ग्लैंड है ये हॉर्मोन सिक्रीट करना बंद कर दे तो 3 to 15 days में डेथ भी हो सकती है। सो इसलिए इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड बोलते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? ये अपर पोल ऑफ ईच किडनीज, मीन्स ये किडनीज के ऊपर अपर पोल पर प्रेजेंट होती हैं, किडनीज के टॉप पर प्रेजेंट होती हैं। सो ये है एड्रीनल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है। ये ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है कि ये कैप्सूल में इंक्लोज होती हैं। ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स है कैप्सूल में कवर रहती हैं। जो कैप्सूल है इन ग्लैंड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एडिपोज टिश्यू का ये कैप्सूल बना होता है। इसकी जो आउटर लेयर है वो होती है कॉर्टेक्स और इनर जो है इनर सेंटर पोर्शन इसको बोलते हैं मेडुला। सो इसकी जो लेंथ है वो 4 centimeters लॉन्ग होती है ये ग्लैंड एंड 3 centimeters थिक होती है। वेट इसका ओनली 4 grams होता है। अब एड्रीनल ग्लैंड 2 में डिवाइड है, दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो आउटर पोर्शन है एंड जो मिडल है जो सेंटर है मेडुला। सो मेडुला आप मिडल से याद रख सकते हैं। सो ये सेंटर में प्रेजेंट होता है मेडुला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो लार्जेस्ट पोर्शन है एड्रीनल ग्लैंड्स का, ये 80% प्रेजेंट होता है। एंड जो एड्रीनल मेडुला है वो सिर्फ 20% ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। अब इनका जो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शन दोनों का डिफरेंट है। अब जैसे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो रीनल टिश्यू से ही डेवलप हुआ है, जो मेसोनेफ्रॉन्स है उन्हीं से ही डेवलप हुआ है। लेकिन जो एड्रीनल मेडुला है वो न्यूरल टिश्यू से डेवलप हुआ है। सो ये पार्ट ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट में काउंट होता है। देन जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है? स्टीरॉयड हॉर्मोन। तो ये क्योंकि कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको, इसलिए इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। एड्रीनल मेडुला स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। नाउ फर्स्ट हम एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टडी करेंगे। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या प्रोड्यूस करता है? स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। सो ये कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं एड्रीनल, सो इसलिए इनका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स भी हम इनको बोलते हैं। सो ये है कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर है। इसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये 3 layers होती हैं इसमें। सो सबसे आउटर जो लेयर है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। सो दिस इज द आउटर लेयर। एंड ये जो मिडल लेयर है इसको बोलते हैं जोना फेसिकुलाटा। एंड सबसे इनर लेयर इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। सो जो आउटर लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये हर लेयर अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर लेयर है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है, जोना फेसिकुलाटा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है, एंड जोना रेटिकुलरिस ये सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है। सो ये जो इनके नेम है अलग अलग हार्मोन्स के, जो हर लेयर अलग हार्मोन सिक्रीट कर रही है, ये इनके फंक्शन के ऊपर पड़ा है। जैसे कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल्स को मेंटेन करके रखती है बॉडी में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज को मेंटेन करती है, एंड सेक्स हार्मोन सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टार लगाया है। लाइफ सेविंग हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करके रखती है फर्स्ट, सेकंड ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखती है। अगर ये हार्मोन सिक्रीट ना हो बॉडी में तो विद इन फ्यू डेज डेथ भी हो सकती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लाइफ सेविंग हार्मोन कहलाया जाता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में जो मेन हार्मोन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में वो है एल्डोस्टेरोन। सो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में, क्योंकि नेम से पता लगा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मिनरल को मेंटेन करके रखता है। सो मिनरल्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में, सो इसलिए वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है बॉडी में। सो जो मेन इलेक्ट्रोलाइट जिस पर ये एक्ट करता है वो क्या है? सोडियम और पोटेशियम।
सो सोडियम की ये क्या करता है, रीअब्सॉर्प्शन, बॉडी में दोबारा से सोडियम को एब्जॉर्ब करवाता है, इसलिए सोडियम बॉडी में रिटेन रहता है। पोटेशियम को ये एक्सक्रीशन करवाता है, मतलब पोटेशियम को बाहर निकालता है बॉडी से। सो ये है रीनल ट्यूब्यूल्स, ये नेफ्रोन का एक डायग्राम है जिसमें रीनल ट्यूब्यूल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, पी से टी, लूप ऑफ एल ए, टी सी टी, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सब रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। सो रीनल ट्यूब्यूल से ये सोडियम को तो रीअब्जॉर्ब करवाता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है। सो इससे क्या होता है, जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा बॉडी में तो रिटेंशन ऑफ वाटर भी होगी साथ साथ, सोडियम के साथ वाटर भी बॉडी में रिटेन रहेगा। इससे क्या होगा, जब सोडियम और वाटर बॉडी में रिटेन रहेगा तो एक तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर का जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहता है। सेकेंड थिंग, जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहता है, इंक्रीज रहता है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, अगर लो है तो वो मेंटेन रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। अब जो ब्लड पोटेशियम लेवल है, एल्डोस्टेरोन का लेवल, उस पर डिपेंड करता है। सो ब्लड पोटेशियम लेवल और एल्डोस्टेरोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर पोटेशियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज है तो एल्डोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा ताकि जो पोटेशियम बढ़ा हुआ है ब्लड में उसको ये ब्लड से बाहर निकाल दें। अगर ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या है, डिक्रीज है, तो एल्डोस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ जो एल्डोस्टेरोन है, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका जो रिलीज है एक और एंजाइम से स्टिमुलेट होता है, एंजियोटेंसिन ऑल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। सो एंजियोटेंसिन जो है एल्डोस्टेरोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। कैसे, हमारी बॉडी में एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। सो जब ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में ड्रॉप हो जाता है, यानी फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो क्या होता है, किडनी से रेनिन रिलीज होता है, जो रेनिन है। और सेकेंड थिंग, जो लीवर से एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन एंजाइम जो लीवर में प्रेजेंट होता है, सो रेनिन जो किडनीज में किडनीज से रिलीज हुआ रेनिन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर देता है। सो एंजियोटेंसिन वन में ये कन्वर्ट हो गया, प्लस लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स निकलते हैं, जो एसी एंजाइम्स है एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन सेकेंड से कन्वर्ट कर देता है। सो जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये क्या करता है, ये जो किडनीज में एड्रिनल ग्लैंड्स है वहाँ पर एक्ट करता है। जब एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा तो वहाँ से स्टिमुलेशन किसकी होगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज की। सो एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है वहाँ से। अब हमें पता है कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना। जब इसे सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। सो सोडियम एंड वाटर क्या करेंगे, ब्लड के वॉल्यूम को भी इंक्रीज करेंगे एंड ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेंगे। प्लस जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, इसका भी क्या फंक्शन है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। इससे क्या होगा, जब वेसल ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी तो बीपी राइज होगा। तो इस तरह से भी एल्डोस्टेरोन वर्क करता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि मिडल लेयर जोन ऑफ एसिकुलाटा से सिक्रीट होते हैं। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड को हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। इसको प्रोटेक्टिंग हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें ट्रॉमा और स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। सो माय लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आ जाए या कोई भी ट्रॉमा आ जाए तो उससे प्रोटेक्ट करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटेक्ट करता है। नाउ एक्सोन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सो इसका मेन फंक्शन क्या है, नेम से पता लग रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो ये ग्लूकोज पर एक्ट करता है, मेनली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थ्री है, थ्री ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट है कॉर्टिसोल, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोकॉर्टिसोन, सेकेंड इज कॉर्टिकोस्टेरोन एंड थर्ड इज कॉर्टिसोन। सो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, फर्स्ट कॉर्टिसोल, प्लस ये मोर पोटेंट है, इसकी पोटेंसी ज़्यादा है। कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, इसलिए इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। सो कॉर्टिसोल इज इम्पॉर्टेंट, इसको हम स्टडी करेंगे। अब ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर एक्ट करता है। सो कैसे करता है, तीन तरीके से। फर्स्ट, ये जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर एक्ट करता है, इसका मतलब है कि ये ग्लूकोज को ब्लड में बना कर रखता है। जब ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बना कर रखेगा, इट मीन्स जो ग्लूकोज है एज एनर्जी सेल्स के लिए हमेशा अवेलेबल है। सो ये क्यों होता है, जैसे अगर मान लो कोई भी स्ट्रेस हो गया, कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन है, तो उस केस में सेल्स को एनर्जी चाहिए। सो उस एनर्जी को यूज़ करके हम स्ट्रेस से इजीली फाइट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ट्रॉमा, कोई भी इंजरी हो गई है तो उस केस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, जैसे कोई इंजरी हुई तो हमारा बॉडी का जो लोकल रिस्पॉन्स होता है इंजरी के लिए, उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग। सो एज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करता है।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्ट करेगा, तो क्या होगा कि जो हीलिंग है, जो हमारा वुंड है वो जल्दी सही हो जाता है. सो उसमें भी ये हेल्प करता है. सो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैसे करता है? तीन तरीके से. एक तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, यानी कैटाबॉलिज्म करेगा. सो ग्लूकोज अवेलेबल हो गया जब ग्लाइकोजन ब्रेक हुआ तो. थर्ड, प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म करेगा अमाइनो एसिड में. सो अमाइनो एसिड भी एज एनर्जी यूज होगा. देन ट्राइग्लिसराइड्स, जो लिपिड्स हैं बॉडी में, फैट्स अवेलेबल हैं, उनका कैटाबॉलिज्म करेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल. सो ये तीनों एज एनर्जी अवेलेबल रहेंगे किसके लिए, टू विदस्टैंड विद स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, स्ट्रेस और ट्रॉमा के साथ लड़ने के लिए. सो एज एंटी इंफ्लेमेटरी भी ये वर्क करता है. लास्ट थिंग क्या है कि ये सोडियम की रिटेंशन करता है बॉडी में. सो सोडियम रिटेंशन कर रहा है, इट मीन्स वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है. सो एज माइल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी एक्ट करता है, क्योंकि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का मेन फंक्शन क्या है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी माइल्डली, बहुत ही कम अमाउंट में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है. सो इसको माइल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं. थैंक्स टू एड्रीनल सेक्स हॉर्मोन्स, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स की जोना रेटिकुलरिस लेयर से, यानी कि इनर लेयर से सिक्रीट होते हैं. सो एड्रीनल सेक्स हॉर्मोन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से. ये हैं एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सो एंड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है एड्रीनल सेक्स हॉर्मोन्स में, एंड एंड्रोजन जो है मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मेल हॉर्मोन भी कहते हैं. हालांकि इसका फीमेल्स में स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है. ऐसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं. एस्ट्रोजन जो है मेनली फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है, ये फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं, बट इसका स्मॉल अमाउंट मेल्स में भी प्रेजेंट होता है. सो जो एंड्रोजन है वो मेल्स में मेल करेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो जैसे ही मेल प्यूबर्टी तक पहुंचता है, प्यूबर्टी पे स्ट्राइक करता है, उसके बाद जो उसकी मेल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एंड्रोजन की वजह से उभरती हैं. जैसे कि उसकी अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ आना, और जो भी मस्कुलिन फीचर्स हैं मेल्स में, वो मेल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एंड्रोजन की वजह से आती हैं. देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल्स में रिलीज होता है, ये फीमेल करेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो भी फेमिनिज्म करेक्टरिस्टिक्स हैं, फेमिनिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स, वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से आती है. जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको भी मेंटेन करते हैं. एस्ट्रोजन ओवम की रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देन प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, एंड ये दोनों मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं. नाउ एड्रीनल मेडुला, जो कि एड्रीनल ग्लैंड के सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है. सो एड्रीनल मेडुला से कौन कौन से हॉर्मोन सिक्रिएट होते हैं? टू हॉर्मोन्स हैं ये, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन. सो एड्रेनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, एंड नोर एड्रेनलिन का दूसरा नाम है नोर एपिनेफ्रिन. सो एड्रेनलिन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रिएट होता है 80%, एंड नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन 20% सिक्रिएट होता है. अब ये दोनों हॉर्मोन किस में काम आते हैं? ये दोनों हॉर्मोन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करते हैं. सो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है? वैसे सिचुएशन जो कहते हैं करो या मरो. सो जैसे अगर इमीडिएट कोई भी स्ट्रेस आ गया, फॉर एग्जांपल फ्राइटेंड, हमें डर लग रहा है, इमीडिएटली कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, कोई इंजरी हो गई, ट्रॉमा, फीवर एंड समथिंग लाइक फियर, कुछ इमोशनल स्ट्रेस है, सो उसके जब इमीडिएट अभी जो सबसे पहले रिस्पॉन्स शुरू होगा, जो सबसे पहले रिस्पॉन्स आएगा वो एड्रीनल मेडुला से एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होंगे, और वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे, जिसको शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जो सबसे पहले इमीडिएट होगा. अभी तक जो हमने रिस्पॉन्स पढ़े थे, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से हॉर्मोन सिक्रीट हो रहे थे, वो मेनली लॉन्ग टर्म होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रहता है वो रिस्पॉन्स. देन ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या स्टिमुलेट करता है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है. सो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? सबसे पहले हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा. सो हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ब्लड वेसल डायलेट होगी. ये सब किस लिए हो रहा है? ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा अमाउंट में सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंच सके, ताकि सेल्स एंड टिश्यूज उसको यूटिलाइज करके इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और रिस्पॉन्स कर सके कोई भी इमीडिएट स्ट्रेस से. देन ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड ग्लूकोज कैसे इंक्रीज होगा? मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा. सो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया, ताकि सेल्स उसको यूज कर सके. प्यूपिल्स को डायलेट कर देगा, हमारी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देगा, ताकि जो डाइजेशन के लिए यूज हो रही थी एनर्जी वो इतनी ना यूज हो, जबकि जो हम रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स करें सिचुएशन के लिए, उसमें यूज हो. सो इस तरह से एड्रीनल मेडुला एक्ट करता है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड हॉर्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी से. सो इनका रिलीज मैंने इंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.